इस दिवाली लोगों की मिठास पड़ने वाली है। उत्पादन केंद्रों पर नए गुड़ का श्री गणेश हो चुका है। जयपुर के थोक बाजारों में भी नया गुड़ लड्डू की आवक शुरू हो गई है। स्थानीय गुड़ चीनी बाजार में नया लड्डू गुड़ 4500 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। इसी बीच अक्टूबर महीने के लिए चीनी का कोटा गत वर्ष के मुकाबले 50,000 टन कम छोड़े जाने से चीनी 50 रुपए प्रति क्विंटल यानी 50 पैसे प्रति किलो महंगी हो गई है। मंडियों में इसके थोक दाम 3861 से 3961 रुपए प्रति क्विंटल बोले जा रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने अक्टूबर महीने में चीनी का कोटा 24 लाख टन खुले बाजार में बिक्री के लिए जारी किया था, जबकि इस साल अक्टूबर महीने के लिए 23.5 लाख टन चीनी का कोटा जारी किया है। इससे प्राइवेट और सहकारी चीनी मिलों में तेजी आ गई है। दरअसल दिवाली के लिए चीनी की 50% मांग सितंबर कोटे से पूरी हो गई है, लिहाजा कम कोटे का चीनी की तेजी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वहीं जानकारों का कहना है कि वर्तमान में आई चीनी की तेजी अस्थायी है। उधर उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, मुरादनगर आदि मंडियों में नए गुड़ की आवक शुरू हो गई है। यद्यपि फिलहाल गुड़ के भावों में अपेक्षाकृत नमी नहीं आई है। दिवाली बाद गुड़ की कीमतों में अच्छी गिरावट के अनुमान लगाए गए हैं। उधर उत्पादक मंडियों में मौसम खराब होने से गुड़ का उत्पादन भी प्रभावित होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।